भाई अपनी वो सीतापुर हाईवे वाली कहानी सुना ना। अरे भाई हाँ, वो तो भाई एक्चुअली क्या हुआ था ना कि गाइस मैं आ रहा था अपने पापा के साथ जस्ट फ्रेंड्स ही पे। तो रात में जनरली हम लोग ड्राइविंग नहीं करते, तो इट्स लाइक कि लखनऊ से सीतापुर आना था हमको। तो लखनऊ से चले ठीक है, फिर दो टोल पड़ते हैं, फिर देन सीतापुर आते हैं। तो हमारा जो दूसरा टोल था उससे पहले, मतलब पहले टोल के बाद और दूसरे टोल से पहले, तो बीच का जो एरिया है वो थोड़ा सुनसान है। तो मतलब वहाँ पे बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे हरियाली टाइप है। तो मुझे ध्यान है कि क्या हुआ था कि हम लोग, मतलब कार नॉर्मली स्पीड पे चल रही है जितनी मतलब है 80 के आसपास। एंड देन सडनली क्या होता है कि मतलब ऐसा है कि टू लेन है, जैसे मान लो दो इधर से जाने वाला और इधर से दो आने वाला। ऐसे सडनली ऐसा हुआ कि एक ट्रक इधर वाली लेन में आ रही थी, हमारे वाले में तो गलत आ रही थी वो, ठीक है। पापा ने इधर साइड में कर ली और उधर से कोई, कुछ लोग गांव वाले कुछ लोग खड़े हुए थे। तो एक कोई लेडी थी, मतलब प्रॉपर वाइट पहनी हुई, वो ऐसे करके क्रॉस कर रही थी। तो ऐसे उन्हें क्रॉस करा और जो ट्रक आ रही थी, और फिर पता नहीं क्या हुआ ट्रक निकल गई। जब मैंने पीछे देखा तो लेडी थी ही नहीं भाई। भाई हुआ क्या ऐसा, और साला समझ में नहीं आया। वो जब लेडी ऐसे गई ना, मतलब हम 80 की स्पीड से हैं, तुम सोचो हमारे कार से आगे से निकल जाए, उधर ट्रक में बिना लड़े गायब हो गई वो। और भाई मेरे एकदम ऐसे रोंगटे सारे खड़े हो गए भाई, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मैंने पापा को बताया, पापा ने 2 मिनट गाड़ी रोकी, हम रुके भाई, हमने पानी पिया भाई, हमारी बहुत हालत खराब हुई थी उस टाइम पे। मतलब वो पहला इंसिडेंट ऐसा देखा कि एक्सीडेंट, वो मतलब वो गई कहाँ, मतलब वो ट्रक में लड़ी और गायब भाई साहब, भाई, एकदम मतलब अजीब था बहुत। मतलब ऐसा मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वो रोड हमारी मतलब ऐसी वाली है कि आना जाना लगा रहता है, पर ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ भाई। तो मतलब ये स्टोरी भाई बहुत क्रीपी है मेरे को भाई, वो जब भी सोचता हूँ ना बहुत अजीब लग जाता है। तो इसीलिए रात में एकदम बिल्कुल बंद हो गया भाई, अब इस टाइम पे नाइट बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाई मैंने तो सुना है कि रात में ऐसे ना भूत वगैरह एक्सीडेंट करवाते हैं, ऐसा कुछ। मुझे मुझे लगता है कि वो ट्रक भी उसी, सोचो ना दो लेन जब बनी हुई है तो ट्रक को उधर आना चाहिए था, ट्रक इधर आ रही है। और वो देखो मुझे ऐसा लगता है एक्सीडेंट का ही पॉसिबिलिटी ऐसे लेके चल रही होगी हाँ कि ऐसा निकलेंगे और हम इधर उधर करेंगे और घुस जाएंगे ट्रक में, बट चीज ऐसी नहीं वर्कआउट करी, हमने और तेज निकाल ली जो होगा देखी जाएगी। मेरे हम ख्याल अभी से आगे दूसरे टोल पे रुके हैं वहां पे भाई भाई। पक्का कोलिजन होना होगा 100%। हाँ अरे बिल्कुल भाई, क्योंकि भाई उनकी लेन है तो उसमें जाओ ना, आगे कट भी था। वो ट्रक वाला पता नहीं क्यों उधर आ रहा था, बल्कि इस साइड में पूरा जंगल है, तो मतलब इधर पे कोई गांव वाव नहीं है कि वो आए ट्रक तो इधर मुड़ना है ऐसे कहीं पे ना, कुछ भी नहीं भाई। भाई बहुत मतलब साहब लिटरली बहुत वियर्ड था, हमने बहुत दिमाग लगाया कि ओके भाई क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आया ना। वो मतलब वो ट्रक पीछे गई, जैसे लाइट जा रही थी, वो ट्रक ऐसा लग रहा था वैनिश हो रही है हवा में, और वो औरत भी गायब भाई, कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या एकदम से। ट्रक थी, ट्रक गायब, औरत भी गायब, साला कुछ मतलब तो ऐसा लगा कि कुछ हुआ एकदम, मूवी की तरह चीजें हुई गायब हो गई एकदम। मतलब भाई, तो गाइस ये थी इसकी कहानी, हो सकता है पसंद आई हो।